सभी साथियों को जय भीम। साथियों, एक बार फिर मैं आप सबके सामने रूबरू हूँ। जैसे कि हमने पिछले दिनों लाइव फेसबुक पे बात की थी 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर, आज एक बार फिर से 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर मैं आप सब से अपील करना चाहती हूँ कि कल 31 जनवरी है और हम सब ने साझा मंच के माध्यम से, जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से, फॉरम फॉर एकेडमिक सोशल जस्टिस के माध्यम से, हम सब ने एक बार फिर आप सबके सामने मैं अपील लेकर प्रस्तुत हुई हूँ कि कल जितनी संख्या में हम लोग अपना संख्या बल दिखा सके, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को परे रख के, अपने अपने राजनीतिक दलों की ईमानदारी को थोड़ा साइड में रख के, अपने संगठनों को प्रति थोड़ी सी ईमानदारी को साइड में रख के, हम एक साझा बैनर के नीचे जो एकेडमिक को बचाने के लिए 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से जो हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ लड़ने के लिए हम लोग ना लड़ें बल्कि हम जीतने के लिए भी लड़ें। हम सरकार को मजबूर करें कि वो अध्यादेश लेकर आए और ये होगा, ज़रूर होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। एक बार फिर से आप सब ने इतना अच्छा सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको रिस्पॉन्ड किया, तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हम सब के सामने है, और ख़ासकर जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो वामसेफ हो, चाहे दूसरे जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, उन सब का एक तरह से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम सबको मिल रहा है, जॉइंट जो साझा मंच है अकेडमिक फॉरम को टू सेव रिजर्वेशन 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में, 200 पॉइंट के पक्ष में, जो हमें एक जो साझा मंच मिल रहा है उसके लिए हमें अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है। मेरा आप सबसे एक बार फिर, मेरा लाइव होने का ही मतलब यही था कि मैं फेसबुक के माध्यम से हमारे तमाम जितने भी फेसबुक के साथी हैं उन सब से मेरा निवेदन है, जय भीम बोलती हूँ मैं सबको, और जय भीम के माध्यम से, जय भीम का अर्थ है कुछ, सिर्फ कहने के लिए जय भीम ना हो बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें प्रतिनिधित्व का एक जो रास्ता दिखाया था संविधान के माध्यम से, जो सुरक्षित था, उस सुरक्षा के घेरे को तोड़कर 13 पॉइंट जैसे फरमान को लागू करके एक बार फिर से कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर एक अटैक है। इसका हम तभी विरोध कर सकते हैं जब हम साझा एक मंच पर आकर एकजुट होकर एक 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 मुस्त से हम जो लड़ेंगे, और ये होगा 31 जनवरी को। कल हम लोग सभी मंडी हाउस में एकत्रित होंगे, मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक हम लोग मार्च करेंगे और तमाम जितने भी प्रतिनिधि हम सब शामिल होंगे उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों। और मेरा आप सबसे ये भी निवेदन है कि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, भले ही आपका मीडिया आपको कवरेज ना देता हो, मेन स्ट्रीम का मीडिया आपको कवरेज ना दे, लेकिन सोशल मीडिया इतना मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का, एक तरह से मैं इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको भी मानती हूँ, ये बहुत मजबूत है। इसके माध्यम से तमाम यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचिए, तमाम विश्वविद्यालय के अध्यापकों तक पहुँचिए, तमाम विद्यार्थियों तक पहुँचिए, और जो युवा है आज का हमारा, उस युवा को, उस युवा के जोश को आवश्यकता है आज एक नई दिशा देने की, और उसी युवा के चुनौती है एक तरह से युवा के सामने कि उसके उनके साथ होते हुए, मेरा गला ख़राब है, बहुत बोल बोल के, बहुत नारे लगा लगा के गला थका हुआ है, इसलिए हो सकता है मेरी आवाज़ आप तक थोड़ा कम पहुंच रही हो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इसको सफल बना सकते हैं। और आज फिर मैं एक बार सोशल मीडिया और सोशल प्रेशर ग्रुप, आज तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे, उन सब के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होगा कि SC ST OBC अपनी एकता कैसे दिखाता है, वो कैसे एकजुट होकर सड़कों पर उतरता लड़ता है। अगर आपकी लड़ाई उनको लड़ाई आपको दिखाई देगी और वो इतने प्रेशर ग्रुप में होगी, मुझे लगता है तमाम जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है, जो कहीं ना कहीं आज आश्वासन तो दे रहा है, पीछे से कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है, लेकिन वो सामने अभी तक उस तरीके से खुलकर नहीं आ रही। उसकी वजह है, हम सब जानते हैं, वोट बैंक की राजनीति के तहत वो स्वर्ण वोट बैंक को नहीं लेना चाहते। और मैं आपको एक और बता दूं, जितना इसको लेकर एकेडमिक शिक्षण संस्थाओं में जिस तरीके से 13 पॉइंट रोस्टर को लादा जा रहा है, उसके पक्ष में सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम अगेंस्ट वाले ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे ग्रुप्स, मेरे को कुछ सूचनाएं मिली हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कल के कार्यक्रम को एक तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वो चाहते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर लागू हो। तो अब आपकी ताकत दिखाने की ज़रूरत है। देखिए, लड़ाई तब होती है जब आप बराबर के हों,
हम सब जानते हैं हमारे भारत के शोषण की किस तरीके से शोषण की एक पूरी प्रक्रिया रही है। उस शोषण की प्रक्रिया में जो दबे कुचले लोग थे वो दबाए जाते रहे थे, लेकिन जैसे जैसे शोषण बढ़ता है उसका पाप का घड़ा भी फूटता है। हालांकि मैं पाप और पुण्य पर मेरा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा स्ट्रोंग, हम बराबर में होते जाएंगे, उस बराबरी की लड़ाई जो होगी वो भी तेज होगी। इसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ऐसी ताकतें जो नहीं चाहती शिक्षण के दरवाजे एससी एसटी ओबीसी के लिए जो खुले हुए हैं और वो खुले रहें, वो नहीं चाहते। आज आप देखिए न्यायमूर्ति का काम क्या होता है, न्याय देना, लेकिन आजकल की तमाम जो हमारे पिछले तीन जो कम से कम डिसीजन आए हैं न्यायालय की तरफ से, न्यायमूर्तियों की तरफ से, वो एक तरह से एससी एसटी ओबीसी को कहीं ना कहीं दबाने की एक प्रक्रिया है। हम एक तरह से न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब जब ऐसे निर्णय दिए जाएंगे तो तमाम हमारे जो दलित बहुजन के जो युवा हैं या हमारी बहनें हैं वो बाहर नहीं निकल के आएंगी। आपको आज बताने की ज़रूरत है कि आप बाहर आइए। जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तब तक ही अंदर, देखिए नेताओं के माध्यम से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। मैं आज फिर दोबारा दोहरा रही हूँ, आपको आना पड़ेगा अगर आपको अपनी संविधान में दिए गए आरक्षण का उसकी सुरक्षा करनी है, उस प्रतिनिधित्व को कायम करना है। आप देखिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके से धड़ाधड़ 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से एक तरह से वैकेंसीज निकली जा रही है, वो भरी भी जाएंगी। आप जब तक आप इसमें सरकार कुछ कार्रवाई करती है तब तक तो यूनिवर्सिटीज भर चुकी होंगी। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हमारी ये मांग हो कि जितनी यूनिवर्सिटी में एडवर्टीजमेंट हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, खासकर राजस्थान यूनिवर्सिटी की मुझे रिपोर्ट है, पेपर्स में आ चुका है, उस पर तुरंत संज्ञान ले सरकार और उसको तुरंत निरस्त करे, क्योंकि वो अन्याय है। मैं फिर लौटती हूँ कि न्यायपालिका न्याय देने में कहीं ना कहीं चूक रही है, वो फैसले दे रही है, और वो फैसला तब हो रहा है क्योंकि हमारी ताकत कमज़ोर है। हमें दोबारा फिर एक बार फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आंदोलन की तरह इस आंदोलन को एक महाआंदोलन में परिवर्तित करना है, अन्यथा तो ये लागू होकर रहेगा और ये हमारी बहुत बड़ी हार होगी। न सिर्फ हमारी होगी बल्कि हमारे पुरखे जिन्होंने अपनी इसको पाने के लिए, एक आज़ाद भारत में आज़ाद सांस लेने के लिए जिन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कहीं ना कहीं हम उनके साथ गद्दारी करेंगे। मेरी तमाम बहनों से, शिक्षण संस्थाओं में जो काम कर रही हैं महिलाएं, उनसे, अध्यापिकाओं से, अध्यापकों से, और तमाम हमारे छात्र जो आज यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हैं, उन सब से ये निवेदन है कि आपको और ज़्यादा शिद्दत से आने की ज़रूरत है। इसको सामाजिक मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। जब तक हम इसको सामाजिक मुद्दा नहीं बना पाएंगे तब तक सोशल प्रेशर ग्रुप काम नहीं करेगा। और जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, आज हमारी ताकत बहुत बढ़ चुकी है, इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं, कल प्रोटेस्ट मार्च होगा मंडी हाउस टू पार्लियामेंट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे ताकि हम अपनी ताकत का एहसास करवाएं। अगर हमारी ताकत का एहसास सरकार को होता है तो हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस और अध्यादेश लाने पर मजबूर होगी, बशर्त है कि आप जय भीम का मतलब कैसे लेते हो, क्या सिर्फ मुँह से लेते हो या अपने कार्यकलाप में भी ले रहे हो। अपने अपनी जॉब को खतरे में डालना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को साइड में रख के एक कॉमन इशू पे, ये कॉमन इशू है। आज ही मेरे साथ मुझसे किसी ने बात की थी, पूर्व मंत्री ने, उन्होंने ये कहा कि इस पे इसको चला कौन रहा है। मैंने उनको ये कहा कि जॉइंट फॉर्म बना हुआ है एक तरह से, सोशल जस्टिस के लिए एक कमेटी बनाई गई है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कर रही है इसके ऊपर। इसमें किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम सब साझा लड़ाई लड़के एक मंच पर आकर लड़ रहे हैं। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई को पॉलिटिकल इसका, देखिए कल के बाद तुरंत बाद ही यही हमारी सबसे बड़ी हार यही होगी कि जब इसको ये बताया जाएगा कि ये पॉलिटिकल एजेंडे हैं पार्टियों के। और क्योंकि एक आसान सा बचने का तरीका है, आप भीम कोवरे गांव का देख लीजिए किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया एक तरह से, रोहित वेमुला के को इसको देख लीजिए, और तमाम जितने हमारे केसेज हैं उन सबको देख लीजिए। इनको तुरंत पार्टी का नाम देके उसको उन सामाजिक आंदोलनों को खारिज किया जाता है। इसलिए इसको सामाजिक आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। जो हमारे जो फोरम बनी हुई है उस फोरम के तले हम लोग एकजुट हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के आएँ। मेरी आप सबसे, तमाम जितने हमारे मीडिया के जो साथी हैं जो देख रहे हैं, उन सब से एक बार फिर से अपील है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नारा था संगठित बनो, शिक्षित बनो। हम शिक्षित हैं लेकिन संगठित हम कम हैं। कहीं ना कहीं वो संगठन की भावना,
संगठित होने की भावना जो हमारे बीच में जो छुटी गई थी वो अब इसी बहाने एक होने की जरूरत है, दोबारा संगठित होकर लड़ने की जरूरत है, तभी हम लड़ पाएंगे। इसी के साथ जय भीम जय भारत, आप सबसे पुनः निवेदन, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंडी हाउस में पहुँचे, मंडी हाउस का से चलकर हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, पार्लियामेंट का घेराव करें, एक ज़्यादा एक शांतिपूर्ण तरीके से एक घेराव हो, हम सरकार को चेता दें कि हम आज़ाद भारत में हैं, कहीं सरकारें भूल ना जाए कि SC ST OBC आज आज़ाद भारत में नहीं है, लेकिन हम उसी आज़ादी के हिस्से हैं जिसने हमारी पीढ़ियों ने भी जिनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उस आज़ाद भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारा भी SC ST OBC का उनसे कहीं ज़्यादा गुना हमारा इतिहास है जब हमने आज़ाद भारत का सपना देखा था और आज़ाद भारत में हम जिए। तो इसलिए एक बार फिर से संविधान की रक्षा करने के लिए मैं सीधा इसको 13-point roster का विरोध करने की तरह से नहीं देख ली, 200 point का समर्थन करने की तरह से नहीं देख रही, बल्कि इसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए एकजुट होइए, और एकजुटता हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। जय भीम जय भारत।